बहुत ही करीब आ चुके हो तुम, जिस लक्ष्य के लिए तुमने एक लंबा सफर तय किया है। संघर्ष की चट्टानों को हौसलों से पार किया है। वह यात्रा सफल हुई। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मंजिल सामने खड़ी है। तुम अपने लक्ष्य से उतना ही दूर हो जितना समक्ष तुम्हारे थाली में रखा गया भोजन। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। शिशु को जन्म देने की पीड़ा के भय से यदि माता संतान जन्म ही ना दे तो क्या होगा? संसार की मानव जाति विलुप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार यदि तुम अपने भय से आगे ही नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी विलुप्त हो जाएगा। अनुकूलता के विषय में सोचते रहोगे तो अपनी खुशी से सदैव दूर ही रहोगे। भोजन मुख तक स्वयं नहीं आएगा, तुम्हें प्रयास करके अपने हाथों से उसे मुख तक लाना होगा। कभी कभी जीवन भर आनंद से रहने के लिए बड़े तूफान स्वीकार करना ही होता है। तुम अपनी मंजिल के करीब आकर इतना भयभीत कैसे हो सकते हो? यदि यात्रा आगे आने वाले तूफान के भय से रुक जाए तो कोई कभी शिखर को छू ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने कठिन यात्रा पूरी कर ली, अब तो सफलता का समय है। इस अंतिम यात्रा में अपना साहस एकजुट करो। देखो, खुशियां तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है। मेरे प्रिय, कठिन समय आएगा, किंतु यह जीवन भर के लिए अच्छा समय देकर जाएगा, क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आशीर्वाद मिल चुका है। सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बड़ी खुशखबरी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। संघर्ष के बीज विशाल वृक्ष के समान बनने को व्याकुल है, जिसे देख पाने के लिए सबको अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़े। अपने डर का समर्थन करो और आगे बढ़ो। जितना अधिक समर्पण होगा उतना ही अधिक निर्भरता हो जाओगे, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने जीवन की नौका खुद चलाने की कोशिश करता है तब तक वह कहीं ना कहीं जा पाता है, किंतु जैसे ही वह परमात्मा को अपनी नौका का चालक बना देता है वैसे ही उसके जीवन की नौका अपने आप ही सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। व्यक्ति वहां पहुंच जाता है
जिसका पता वह शायद कभी ढूंढ भी नहीं सकता था। मेरे बच्चे, तुम्हें वह अवश्य मिलेगा, बस विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हें प्रकृति से सीखना चाहिए। क्या कभी किसी तितली को उड़ते हुए देखा है? कितनी सुंदर उड़ान होती है उसकी। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, एक पत्ते से दूसरे पत्तों पर, किंतु उसे यह उड़ान कैसे मिलती है? क्या इसके विषय में कभी सोचा है? जन्म से ही तितली के पास पंख नहीं होते हैं। वो तो जन्म से मात्र एक छोटा सा डिंप होती है। फिर उस डिंप को तोड़ती है, एक लट बनती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। फिर वो उस लट को तोड़कर अपने पंखों को खोलती है। यह प्रक्रिया उसके लिए सरल नहीं होता है, अत्यधिक पीड़ादायक होती है, किंतु वो उस पीड़ा को स्वीकार कर लेती है और फिर धीरे धीरे उड़ान सीख जाती है। वो मात्र आकाश में ही नहीं, अपितु हमारे दिल में भी उड़ान भर जाती है। अब एक डिंप से तितली बनने की यात्रा जितनी कठिन थी, उतनी ही खूबसूरत वो और उसकी उड़ान। उसे देख मात्र से ही लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसके पीछे भागना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में महान बनना कठिन होता है, किंतु जिस भी दिन तुमने अपने डिंप को तोड़कर अपने पंखों को खोलोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी। सभी की नजरें तुम पर होगी, सभी तुम जैसा बनना चाहेंगे, सभी के भीतर यही जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वह तुम्हें अपना बना ले। उसके लिए आवश्यकता मात्र प्रयास और पहल करना है। तुम कैसे जान सकते हो कि तुम अपनी मंजिल से कितनी दूरी पर हो? हार मानने से पहले यह जान लो, तुम्हारी मंजिल क्या पता तुम्हारी एक और कोशिश मांग रही हो। जज्बा बुलंद रहा तो मुश्किलें का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना तू घबरा, जिंदगी के अंधेरों से, इन्हीं अंधेरों के बाद सुनहरा दिल भी निकल जाएगा। मेरे प्रिय, क्या तुम हार मान जाओगे या अंतिम चुनौती को पार करके शिखर पर अपना झंडा लहराओगे? उत्तर दो, तुम्हारा निर्णय क्या है, हाँ या ना?